हेलो दोस्तों, मैं सफी सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल आफिया केमिस्ट्री पॉइंट में। यूनिट 1 G1 की मौलिक इकाई। तो जितने भी 9th के विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है बाबू, यूनिट 1 G1 की मौलिक इकाई, ठीक है, बायोलॉजी, ठीक है। तो इस यूनिट से जितने भी आपके वेरी वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट आपके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम बतला रहे हैं। आप लोग को क्या करना है, इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जो है क्या कर लोगे, पूरी ईमानदारी से कंप्लीट कर लोगे। बायोलॉजी क्लास 9 यूनिट 1 जीवन की मौलिक इकाई। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपका है, तारक केंद्र पाया जाता है कोशिका द्रव्य में, गुण सूत्र में, केंद्रक में या केंद्रिका में। इस प्रकार से आपका चार ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में से एक राइट आंसर है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए तारक केंद्र जो है पाया जाता है वो केंद्रक वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कोशिका द्रव्य में, यानी तारक केंद्र किस में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तंत्रिका कोशिका, गुर्दे की कोशिका, यकृत कोशिका, पेशी कोशिका। तो आप सबों को मालूम होना चाहिए मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है बाबू, ठीक है, वो आपका तंत्रिका कोशिका। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, ठीक है, कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर है, कोशिका का पावर हाउस कौन सा हाउस, पावर हाउस या बिजली घर है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण या लवक या राइबोसोम। इस प्रकार से आपका चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप सभों को मालूम होना चाहिए कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर है वो आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 का ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जो है पूरी ईमानदारी से कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या का थैला कहलाता है लवक, लाइसोसोम, रिक्तिका या केंद्रिका। तो आप सभों को मालूम होना चाहिए आत्महत्या का थैला जो है लाइसोसोम को कहते हैं, ठीक है। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 का बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी, लाइसोसोम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तारक केंद्र का कार्य है DNA संश्लेषण, तर्कु निर्माण या श्वसन या जनन। तो तारक केंद्रक का कार्य है, तो ये इनका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, तर्कु निर्माण। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तर्कु निर्माण। अगला क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन है, देख लीजिए, 100x, 1000x, 20000x, 2000x। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 200000, इकाई दाई सैकड़ा, हजार दस लाख, 200000x, यानी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन 200000x हो जाएगा, यानी इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनका राइट आंसर, किनका राइट आंसर डी हो जाएगा बाबू, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन 200000x हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कोशिका शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम है स्लाइडन और स्वान, वाटसन और क्रिक, नाल व क्या लिखा हुआ है, रस्का, ठीक है, और चौथा जो है आपका लिखा हुआ है रॉबर्ट हुक। इनका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक, क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक, यानी डी हो जाएगा। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, कोशिका शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हुक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली को कहते हैं टोनोप्लास्ट कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं या प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका भित्ति कहते हैं। तो पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली को कोशिका भित्ति कहा जाता है। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली को हम लोग कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं, कौन सा भित्ति, कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है, पादप और जंतु, ठीक है, पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है, ठीक है, पोषण संबंधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोषण संबंधित, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इनको आप क्या कर लोगे, पूरी ईमानदारी से कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर आपका है पोषण संबंधी। 10वां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला अंगक जिसमें पाचक रसायन या एंजाइम पाए जाते हैं वो कहलाता है आपका लाइसोसोम कहलाता है, क्या कहलाता है, लाइसोसोम कहलाता है, क्या कहलाता है, लाइसोसोम। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर जो है ना पूरी ईमानदारी से कंप्लीट कर लेना, यानी यूनिट 1
से हम जो है 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाए हैं जो आप सबों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पूरी ईमानदारी से कंप्लीट कर लेना। आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जो बाबू चैनल पर नए हो उन बाबू से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।